नमस्कार, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, सीनियर साइंटिस्ट मौसम केंद्र भोपाल। जैसा पिछले 3-4 दिनों से था कि जो रात के तापमान थे वो 10 डिग्री और उससे थोड़ा सा कम थे, जबकि दिन के तापमान 24 से 26 डिग्री के आसपास प्रदेश के अधिकांश जगहों के कहीं कहीं पे ज़्यादा 27-28 डिग्री तक भी पहुँच गए। अभी आप फिलहाल जो सिनॉप्टिक सिचुएशन में देख सकते हैं, लगभग प्रदेश के पूरे हिस्से में या तो पूर्वी हवा है, जबकि इधर पश्चिम मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्वी हवाएं सक्रिय हैं। वहीं पे ग्वालियर चंबल संभाग में उत्तरी और ये पूर्वी हवाओं का एक तरीके से टकराव, ये कह सकते हैं कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट मिल रहा है, जिसके कारण वहाँ पे डेंस टू वेरी डेंस फॉग माने अत्यधिक घना कोहरा देखने को भी पिछले 24 घंटों में खासकर आधी रात से लेकर सुबह 10-11 बजे तक ये देखने को मिला है। अगर इसी के चलते हुए हम तापमानों की बात करें तो आप इस टेबल में देख सकते हैं, दतिया में जो दिन रहे वो सबसे ठंडे रहे 21.9 डिग्री सेल्सियस के साथ, जबकि राजगढ़ जिले में जो रातें रही वो सबसे ठंडी थी 7 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ। वहीं पे अगर हम अगले 24 घंटों की फोरकास्ट की बात करें तो आप मैप में देख सकते हैं कई जगह पे हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है, जिसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, ये जिले सम्मिलित हैं, जहाँ पे घने से अति घना कोहरा माने जो सरफेस विजिबिलिटी है सुबह के 10 बजे तक ये आपका 50 मीटर या उससे भी कम कुछ समय के लिए जा सकती है। जबकि दूसरे जिले जिसमें उज्जैन, भोपाल, रीवा, शहडोल संभाग के जिले, जबकि नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर और मंडला जिले भी शामिल हैं, यहाँ पे भी जो हल्के से मध्यम कोहरा और कहीं कहीं पे घना कोहरा माने विजिबिलिटी 500 मीटर के आसपास ज़्यादातर जगहों पे या उससे भी कम 200 मीटर तक जा सकती है। 24 घंटे बाद की बात करें तो स्थिति में थोड़ा सुधार जरूर आ सकता है, लेकिन फिर भी जो उत्तरी हिस्से हैं ग्वालियर चंबल संभाग के जिले और सागर संभाग के जिले, वहाँ पे मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि भोपाल और रीवा संभाग के दूसरे जिलों में कल से के बाद कोहरे की गतिविधियां परसों से घट जाएंगी, लेकिन फिर भी हल्का कोहरा होने की उम्मीद है। वहीं पे अगर 48 घंटे बाद की बात करें तो जो उत्तरी हिस्सा है जिसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, यहीं पे भी एक दो जगह हल्के कोहरे की संभावना रहेगी। वहीं पे जैसा पहले एक्सपेक्टेड था 29 दिसंबर की रात से नया पश्चिमी विक्षोभ जो काफ़ी स्ट्रांग होगा सक्रिय होने की संभावना है, जिसके चलते हुए 30 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी के बीच प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, खासकर जो उत्तरी हिस्सा है ग्वालियर चंबल, उज्जैन, भोपाल, सागर और रीवा संभाग, वहाँ पे ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है, जबकि दक्षिणी हिस्सों में इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर और शहडोल संभाग में हल्की बारिश, बूंदाबांदी होने की संभावना ये नए साल की शुरुआत में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।